हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेरिका के भूतिया त्योहार में, यानी कि हैलोवीन, जो कि यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज जो है अमेरिका में भूतिया दिन है, यानी कि हैलोवीन नाइट, हैलोवीन का दिन। तो चलिए मैं क्विकली बता दूं कि ये हैलोवीन क्यों मनाते हैं यहाँ पे अमेरिका में और कैसे मनाते हैं। सो बेसिकली 100-200 साल पहले जो हैलोवीन मनाया जाता था, वो जो इनके पूर्वज गुजर जाते हैं उनकी याद में, अपने रिलेटिव्स, अपने पूर्वज की याद में लोग हैलोवीन मनाते थे चर्च में जाके। पर जैसे जैसे साल बीतते गया, इसे सेलिब्रेट करने का तरीका भी बदलता गया। तो ये जो फेस्टिवल, हैलोवीन फेस्टिवल यहाँ अमेरिका में मनाया जाता है, ये अब डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। सो यहाँ जो बच्चे हैं वो कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के निकलते हैं। बहुत तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ अमेरिका में। बच्चे बड़े सारे लोग बहुत डरावने कॉस्ट्यूम्स, और ज़्यादातर डरावने कॉस्ट्यूम्स पहने होते हैं और सड़कों पर निकले होते हैं, या जो भी ये ट्रिक एंड ट्रीट इवेंट वगैरह हो रहा होता है वहाँ जाते हैं। स्पेशली वो बच्चों के लिए इवेंट होता है, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, क्योंकि बच्चे कॉस्ट्यूम पहन के रोड पे निकलते हैं, लोगों के घर जाते हैं, कैंडीज वगैरह मांगते हैं। सो ऐसे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। पम्पकिंस को अलग अलग शेप में काटा जाता है, सजाया जाता है घरों के बाहर, और जो भूत वाले स्कल्पचर्स वो सबको लगा के डेकोरेट करते हैं ये लोग, और साथ में रोड पे निकलते हैं और कुछ कुछ अलग अलग भूतिया अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के निकलते हैं। वैसे मिलते हैं लोगों से, गेट टुगेदर करते हैं, खाना वगैरह साथ में खाते हैं रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ। सो ये एक फेस्टिवल है यहाँ अमेरिका में, जो कि बहुत धूमधाम से मनाते हैं यहाँ अमेरिकन्स। मैं भी जा रही हूँ अभी एक दो जगह, देखूंगी कैसे यहाँ पे लोग निकले हुए हैं, कैसे कैसे कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो कोविड पीक पे था तो मैं ज़्यादा देख नहीं पाई थी, कहीं गई नहीं थी, पर इस साल जा रही हूँ, देखती हूँ कैसे क्या यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। और गाइस, मैंने अपने इंट्रोडक्शन, अपने बारे में वीडियो बनाई हुई है। लास्ट वीडियो मैंने अपने बारे में अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था मैं अमेरिका में क्या करती हूँ और मैं इंडिया में कहाँ से हूँ। सारी डिटेल्स मैंने इस वाली वीडियो में दी थी। तो अगर आप सबने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाएं देखें, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगी। तो अगर आप सबने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और देखें ये वीडियो। और ये देखिए बाहर का मौसम, अगर मौसम की बात करूँ तो अराउंड 10 से 11 डिग्री का टेम्परेचर है आज, और फॉल का सीज़न है इसलिए आप लोग को काफ़ी कलर्स भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर है इस पेड़ का और ये पत्ते। और गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने गांव, शहर, सिटी का नाम मेरे वीडियो पे कमेंट करें, जिससे कि हमारा कनेक्शन और थोड़ा बढ़े और मुझे पता लगे कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से हैं इंडिया में, या दूसरी कंट्री से भी अगर आप देखते हो तो अपना शहर, अपना सिटी, अपना गांव जरूर नीचे कमेंट करें। चलिए आसपास चलते हैं और देखते हैं बच्चे जो हैं वो कैसे ये ट्रिक एंड ट्रीट इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे ये हैलोवीन को एंजॉय कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। जैसे आप देख सकते हो, घरों के बाहर आपको काफ़ी सारे भूतिया डरावने डेकोरेशंस देखने को मिलेंगे, और बच्चे जो हैं वो आसपास के घरों में, या फिर अगर कहीं पार्क में इवेंट हो रहा है जहां प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, वहां पे एक बकेट लेके जाते हैं और वहां इन्हें कैंडीज़ मिलती हैं। लोग बच्चों को कैंडीज़ बांटते हैं। और अगर घरों की बात करें तो जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस इवेंट में, यानी कि जो चाहते हैं कि हमारे घर बच्चे आएँ और कैंडीज़ उन्हें वो दें, तो वो लोग अपने पोर्च, यानी कि जो घर के बाहर का एरिया है, वहाँ पे एक लाइट जला के रखते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस घर की लाइट जल रही है, बाहर की जल रही है, तो हाँ, हम इस घर के अंदर जा सकते हैं। और जो फैमिली है वो अपने बच्चों को ले के जाती है ऐसे घरों में, आसपास के घरों में, और बच्चों को कैंडीज, टॉफ़ी, चॉकलेट ऐसी चीज़ें मिलती हैं और वो खुशी से बाहर निकलते हैं। और वैसे
हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। आप देख सकते हो कैसे भूतिया डेकोरेशन करके रखते हैं यहाँ पे घरों के बाहर। और इंस्टाग्राम पे भी मैं काफी एक्टिव रहती हूँ, तो अगर आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो ये रही मेरी आईडी fitlifebyamita। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं काफी सारे पोस्ट और वीडियोस डालती रहती हूँ अमेरिका के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में। अब शाम हो गई और मैं जा रही हूँ एक जू में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइटिंग से सजाया हुआ है जू को स्पेशली हैलोवीन के लिए। और ये ड्राइव थ्रू है, यानी कि कार से आप अंदर जाओ और जो भी लाइटिंग्स है, डेकोरेशन है, आप देखो। आप वॉक नहीं कर सकते, कार से नीचे उतर नहीं सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में दिवाली में हम लोग लाइट्स सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं अपने घरों में, घरों के बाहर, वैसे यहाँ अमेरिका में ये लोग हैलोवीन में घर के बाहर डेकोरेट करते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं, और उसके बाद क्रिसमस पे काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट करते हैं लाइटिंग्स के साथ। तो इस जू में भी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत लाइटिंग्स लगा रखी है, और ये सिर्फ और सिर्फ हैलोवीन के मौके पर है लगाया जाता है, इस जू को सजाया जाता है। अगर आप चाहो कभी और देखना तो फिर ये लाइटिंग्स नहीं रहेगी। आप देख सकते हो अलग अलग शेप्स को लाइट्स के साथ कितने खूबसूरती से सजाया हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप वॉक नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको गाड़ी से ड्राइव करके ही ये लाइटिंग्स देखनी है। तो जो स्पीड लिमिट थी गाड़ी की वो थी 3 miles per hour, यानी कि 4.8 kilometers per hour अप्रॉक्सीमेटली। सो उससे ज़्यादा आपको तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि आपके आगे भी गाड़ी होती है, पीछे भी गाड़ी होती है, जिन सबको जो लाइटिंग लगी है वो सबको एंजॉय करना होता है। तो आपको स्पीड लिमिट के अंदर रह के गाड़ी चलानी है। ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और उसी मोटिवेशन की वजह से मैं आप सबके लिए वीडियोस अच्छी अच्छी बना पाती हूँ। और जो बेल आइकन है वो भी हिट करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। सो ऑलराइट गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।